गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 और स्किल्स अड्डा चैनल पर। सारे दोस्त जो इस वक्त हमें यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पता है काफी दिनों से हम आपको बताते आ रहे हैं कि यार स्किल्स की दिशा में या पूरे देश की स्किलिंग की दिशा में अड्डा 24/7 ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत सॉलिड सरप्राइज आप कह सकते हैं। और ये सरप्राइज हम आज ही के दिन आपके लिए क्यों लेकर के आए हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है कल या कल की डेट शायद आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी, ये सारी बातें हम यहां करने वाले हैं। पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फटाफट सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि हम बात को जल्दी से आगे बढ़ा सकें। अतुल सर और सौरभ सर अभी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। भाइयों, क्या थॉट्स हैं आप लोगों के स्किलिंग को लेकर के? देखो भाई, मेरे हिसाब से जो जो लाइफ चल रहा है, जो एरा चल रहा है फिलहाल, इस पूरे एरा में पिछले अगर हम सिर्फ 5-7 वर्षों की बात कर लें और उसमें से भी थोड़ा और क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए ना, तो ये 2-3 साल खास तौर पे इसमें बहुत सारे स्किल को देखने को मिला हम लोगों को अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे। हम मुझे लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऐसे बहुत से लोग अब ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जो शायद किसी डिग्री के मोहताज नहीं है, मतलब उनके पास कोई डिग्री नहीं अलग से कि हाँ भाई इन्होंने इस चीज़ में कोई डिग्री हासिल कर रखा है, लेकिन ऑफकोर्स वो एक बहुत बेहतरीन जगह पहुंचे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल, हाउ टू कम्युनिकेट या फिर कोई और भी चीज़ें, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स उनके पास हैं। एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है मैम, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे लाफ्टर शोज हो रहे होते हैं, तो हंसाना भी एक स्किल है ना। एब्सोल्युटली, कपिल शर्मा वाज लाइक वन ऑफ द पर्सन, कपिल शर्मा की अगर बात करें तो ही इज लाइक रेनाउंड, ही इज वेरी रेनाउंड, ही इज पॉपुलर डेफिनेटली। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ही इज हैविंग अ स्किल। तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मेरोला आप लोग डिस्कस कर रहे थे, और नहीं, वी आर टॉकिंग, प्लीज जॉइन अस। यस ऑफ कोर्स मिस्टर गौतम। ठीक है, तो स्किल का सबसे बड़ा रोल होता है यार, अगर मेरे लाइफ में देखें तो मैं अपने अगर इस चीज को अपने से जोड़ता हूँ तो मेरे कॉलेज जाने से पहले और कॉलेज जाने के बाद से का जो फेज रहा है वो बहुत ज्यादा उल्टा पुलटा रहा है। मतलब कॉलेज जाने से पहले जो मैं था और कॉलेज के से निकलने के बाद जो मैं रहा हूँ उसमें बहुत अंतर है। कॉलेज जाने से पहले मेरा स्किल ऐसा था कि भाई मेरे पास जो मैं जो बात कर पाता हूँ इतनी क्लासेस में आपके सामने, उसके उसका जो डेवलपमेंट हुआ है असल में तो वो 4 वर्षों में हुआ है। जब मैं एक साउथ इंडिया के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए, वहाँ पे उसको सीखना, उसको लगातार प्रैक्टिस करना, लोगों से बात करना, उससे पहले क्या था झिझक वाली बात, जैसे मैम ने कहा ना कि वो बैक बेंचेस वाली बात, तो वो ना हो जाए मेरे साथ, इसलिए मैंने काफ़ी काम किया उस पर। सो आई होप आने वाले वक्त में जिस तरह से मैम लगातार प्लान कर रही हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं स्किल्स को लेके, और आगे मुझे लगता है और भी, जैसे अभी तो एक कदम पहला कदम आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा स्तर पर आपके सामने, आगे आने वाले वक्त में और भी बड़े बड़े कदम नजर आएंगे आपको। यानी कि ओवरऑल जरूरी है सर कि ये लोग स्किल्स को फॉलो करते रहे, बिना तो नहीं होने वाला कुछ, वो एक ऐसा ऐड ऑन है जिसके आधार पे ही आपको अलग देखा जाएगा। नॉलेज कैरी करना एक अलग बात है और नॉलेज कैरी करने के बाद अगर देखा जाए तो आपको देखा जाएगा अलग से कि हाँ ही इज हैविंग अ डिफरेंट स्किल। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड यार। और अब चलते हैं अतुल सर से, काफी देर से वेट कर रहे हैं कि हम सुनना चाहते हैं, सर आपका क्या थॉट है जो हम स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के यूथ को लेकर के बात करते हैं? तो देखिए मैम, क्या है कि जिंदगी में हुनर एक ऐसी चीज होती है ना कि जहाँ पे इंसान जिस जब काम करने में मजा आता है ना, तो मतलब आपका हुनर बोल रहा है। जब आप काम होता है ना कि घोड़े और बैल में फर्क होता है कि जब आप बैलों की तरह काम करते हैं ना तो आपके आप पे काम लादा गया है, लेकिन जब आप काम एक ऐसा काम करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे मतलब खुद से लगता है कि नहीं यार, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं तो कुछ बोलते हैं ना कि ईश्वर सबको नौकरी नहीं दे सकता वरना उसकी कायनात कैसे चलेगी। अगर सोचो कि आप ऑटो ना होता, मोमोज खिलाने वाला ना होता, अगर ये सब ना होते तो सोचो इस सृष्टि में अगर केवल सब कुछ नौकरी ही होता तो मेरे ख्याल से इस सृष्टि में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो पैदा होते मान नर्सरी में ना जाता हो, वो एकेडमिक ना पढ़ता हो। वो जरूर पढ़ता है क्योंकि उसे लाइफ में डॉक्टर बनना है। किसी बच्चे से पूछो बेटा बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। बड़े होके क्या बनोगे? पायलट। बड़े होके क्या बनोगे? इंजीनियर। कोई ये थोड़ी ना कहता कि मैं मोमोज का ठेला खोलूंगा, कोई ये थोड़ी ना कहता कि मैं ऑटो चलाऊंगा, कोई ये नहीं कहता, लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि आपका जब हुनर बोलता है। कहते हैं ना कि जैसे कोई म्यूजिशियन बना तो वो ऐसा नहीं कि उसने क्लासेस नहीं किए, एकेडमिक्स नहीं किए, लेकिन जब उसको पता चला कि वो ढोलक बहुत अच्छी बजा लेता है तो पता चला कि बहुत बड़ा ढोलक प्लेयर बन गया, बहुत अच्छा ड्रमर बन गया, बहुत अच्छा सिंगर गिटारिस्ट बन गया, बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर बन गया। तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर से, और हमारा काम क्या है कि आपके अंदर को वो जैसे होता है ना कि हनुमान जी के पास भी सारी शक्तियां होती है लेकिन उनको जगाने वाला कोई चाहिए कि भैया कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते और ऐसा ना कोई काम जो तुम
कर नहीं सकते। तो अब डिपेंड क्या करता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ये ऐसा ऐसा चाहिए कोई जो ये बता सके, अच्छा तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, अच्छा सुनो तो मेरी बात, अच्छा तुम्हारा जिंदगी में सब कुछ एक ही रास्ता, ये पांच उंगलियां ना, पांच रास्ते हैं, आपको एक नहीं हो रहा दूसरी जगह ट्राई करो, दूसरा नहीं हो रहा तीसरी जगह ट्राई करो, चौथा नहीं, लेकिन आप ये कह दो कि सर मेरा मुझे नौकरी नहीं मिली। अच्छा एक बात बताओ, अगर लड़का लड़की में प्यार ना हो तो फिर पंडित की क्या जरूरत है? जब तक दो लोगों की अगर शादी होनी है तो उनका आपस में पहले मेल होना चाहिए, तब हम किसी तीसरे की जरूरत होती है। आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप दोनों एकदम 36 हैं, जैसे होता है ना कि 36 गुण मिल जाए, भगवान राम और सीता जी के 36 गुण मिले थे इसलिए 14 साल का वनवास हुआ था, क्योंकि कभी भी जब आपके 36 गुण मिलते हैं तो आप में क्या होता है कि आप ये सोचते हैं एक दूसरे के, अब आपका पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं है, तो जब आपका पढ़ाई से मोहब्बत नहीं है तो ये पंडित जी क्या करेंगे? हम कितना भी मंत्रोच्चारण कर लें, चाहे 7 फेरे नहीं 7000 फेरे करवा दें तो भी आपकी जिंदगी में अच्छे से सारी चीजें नहीं चल, क्योंकि आपको उस चीज से प्यार ही नहीं। और जब आपको लगता है कि अच्छा मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता लेकिन मुझे म्यूजिक दिन भर में किशोर कुमार को सुन सकता हूं, अच्छा तो ये कर सकते हो, अच्छा तुम्हें अगर एक्सेल अपने काम को, जैसे कोई कुछ लोग सरकारी नौकरी में देखिए, कुछ लोग जब काउंटर लगे होते हैं तो कुछ के सामने जब पब्लिक खड़ी होती है तो जल्दी 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 काम खत्म करके सारी ऑडियंस क्लियर कर देता है, ठीक है ओके, लोग आते हैं अरे वो छोड़िए त्रिपाठी जी कहाँ, ठाकुर साहब कहाँ, तो इस तरीके से वो क्या करता है कि अपने काम को और अच्छा बनाता है, तो उसके अंदर की स्किल है जो उसे इस तरीके से काम करने को मजबूर करती है। आज स्किल महोत्सव में जो अब हम सब लोग जुड़े, हम बस आपको यही समझाना चाहते हैं कि हम सब भी अपने स्किल के दम पे, आज यहाँ पे हमारे साथ सर खड़े हैं, सौरभ सर हैं हमारे साथ, दुष्या मैम है, शुभम सर है, हम हैं, तो हमारे हम कहीं ना कहीं अपने स्किल के दम पे ही आपके सामने खड़े हैं। तो आपकी स्किल कितनी जरूरी है और आगे इसको और निखारने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे आगे दुष्या मैम से, कि और आगे की क्या प्लान है जो आज हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिसाइड किया। जी सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अभी तक आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बहुत ही टू द पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ बातें हैं, कुछ एक हल्की सी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे दोस्त आपके टीचर्स, फेवरेट टीचर्स शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं पूछना चाहूंगी एक बार शुभम सर से, शुभम सर आप भी कुछ बताएं कि स्किल से आपका क्या रहा है रास्ता अभी तक यहाँ तक का। देखिए मेरे को लगता है कि हर एक पर्सन अपने, चाहे वो जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो है ना, या फिर रियल लाइफ में कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक चीज है ना कि मुझे अपने अंदर स्किल क्रिएट करना है, और कोई स्किल कभी भी क्रिएट कर सकता है, उसके लिए ये नहीं कि जैसे सर ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बोली कि वो उसको नहीं पता कि वो जब वो पैदा हुआ तो उसे क्या करना था, लेकिन हाँ उसने किसी के पास एक स्किल होता है, किसी के पास दो स्किल्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जॉब के साथ साथ भी स्किल्स को वहाँ पर सीख रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ेंगे या फिर यहाँ पर जुड़े होंगे जो कि एक अपना काम तो कर ही रहे हैं, साथ में उनको लगता नहीं यार ये स्किल्स मेरे पास और होना चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पर पैशन होता है मैम, यार मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है ना। तो आप सभी लोग, मतलब कि ये इनिशिएटिव लिया गया है तो आप सभी लोग इसमें मतलब साथ दें और आगे की तरफ बड़े, मैम को, मैम का साथ आपको मिला हुआ है ना, तो ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप आप लोगों को ये बात अच्छी लगी। मैं एक आखिरी बार आशीष सर को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगी कि आशीष सर डेफिनेटली आकर के जरूर बताइए, यार सुबह भी आपकी बातें बहुत अच्छी लगी थी, व्हाई डू यू फील कि स्किल जरूरी है आज के टाइम में? सर स्किल क्यों नहीं जरूरी है, आजकल हम लोग बचपन से एजुकेशन के पीछे भागते हैं, चलो ठीक है पढ़ाया जाए मेरे बच्चे को, पढ़ाया जाए, बट हमारे देश में अभी भी मेरे दोस्त बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लोग एजुकेटेड नहीं है बट वो अपनी आजीविका के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, और बहुतों से बहुत बेहतर कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्किल्ड है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने में बहुत स्किल्ड है, मनमोहन सिंह जी बहुत वेल एजुकेटेड थे, लेकिन मेरे दोस्त स्किल, बोलने का स्किल जो मोदी जी के पास है, आज उसकी वजह से फ्रांस का भी उनको हाईएस्ट ऑनर मिल गया, सर्वोच्च सम्मान मिल गया। तो लाइफ में आपका स्किल होना बहुत जरूरी है। देखो जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं इतिहास के बारे में हमें जानना जरूरी है, इतिहास में आपने देखा वो बहुत सारी बैटल लड़ी है, तो उसके लिए कभी किसी ने लिखकर नहीं बताया कि तलवार ऐसे चलाई जाती है, कभी लिखकर नहीं बताया, उन्होंने स्किल सिखाया। तो स्किल लाइफ में बहुत जरूरी है। आप इवन देखो एजुकेटेड होना और स्किल होना दो अलग चीज है, और एजुकेटेड के साथ साथ स्किल्ड होना, इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, और जब ये कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आपको मेरे दोस्त बहुत कुछ बेहतर देता है। इसका अनुभव हम लोग हर टीचर बेहतर तरीके से इसलिए करता है क्योंकि हम लोग चलो पढ़े लिखे हैं बट हम जो धीरे 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 अलग अलग चीजें स्किल अडॉप्ट कर रहे हैं उससे आपको हम लोग बेहतर तरीके से सर्विस दे पाते हैं। तो लाइफ में ना स्किल होने का मतलब ये, और मैं कहूंगा कि जीवन में आप शायद एजुकेटेड होकर थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं ओके, लेकिन मेरे दोस्त स्किल्ड होकर आप एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते। Correct. एक दिन भी भूखा, अगर आप हाथ के दस्तकार है ना, हाथ के दस्तकार मतलब वो होता है व्यक्ति जो 70 साल का होगा ना तब भी कमा लेगा, 75 साल का होगा तब भी कमा लेगा, 90 साल का होगा तब भी कमा लेगा, लेकिन एक एजुकेटेड बंदे की एक लाइफ है, ठीक है 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा मेरे भाई, सरकार भी नहीं अलाउड करती है, लेकिन स्किल्ड बंदा क्या होगा ना उसको बुलाया जाएगा। क्यों सौरभ सर, स्किल्ड बंदे को हमेशा बुलाया जाएगा। सर आपका घर बना, ठीक है आपने घर बनवाया, वहां पर कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे होंगे जो बहुत वेल एजुकेटेड नहीं है, बट जब उनसे आप डिस्कस करते होंगे तो आप कहते होंगे कि यार इस चीज को ऐसे कर दे, वो कहते भाई साहब रुक जाओ
आपको आइडिया नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, बट मेरे को पता है मैं स्किल्ड हूँ, मैं इसमें महारती हूँ, मुझे पता है पत्थर कहाँ लगाना है, कितनी गहराई में मेरे को नींव खोदनी है। तो लाइफ में अगर मेरे दोस्त उनकी बात हम लोग कर ले, तो वो पढ़े नहीं है, उन्होंने कोई आई टी नहीं किया, उन्होंने कोई एमबीए नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त वो बहुत लोगों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा स्किल्ड रहिए और स्किल्ड बनने की कोशिश करिए, जितना ज्यादा खुद को ना मेरे दोस्त वर्सेटाइल कर सकते हो ना, ये स्किल्ड मतलब ये कि आपको वर्सेटाइल हो, आप ये नहीं तो ये कर सकते हो, आप ये नहीं तो ये कर सकते हो, पढ़कर आप शायद कुछ एक ही चीज कर सकते हो। एक बेहतरीन रेफरेंस लिया जाए तो बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में हम देखते हैं उसके एजुकेशन प्रणाली में कि वहां पे स्कूलिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है, उससे क्या होता है पढ़ाई से उतना कॉन्फिडेंस आया ना, लेकिन आपके पास अगर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आप बहुत अच्छे हैं, किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, किसी म्यूजिक में अच्छे हैं, मेज बनाना सिखा रहे हैं, कुछ भी, वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है इंसान को, ये बहुत देखा गया। अरे सर, हमारे देश में आज क्यों मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया तो उसको लोगों ने अलग तरीके से ले लिया कि पकौड़े की ठेल लगाने वाला, लेकिन अभी भी आप देखते हो तो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल, एमबीए चाय वाला, ओके, उन्होंने किस तरीके से वो आए, वो एमबीए करने के बाद चाय के लिए आ रहे हैं। कोई बंदा नॉर्मल बिना एमबीए करे भी चाय का बहुत बढ़िया व्यापार कर रहा है। तो ओवरऑल देखो ये मतलब है, ये सारा कार्यभार उदिशा मैडम ने लिया है यहाँ पर कि कैसे आपको स्किल किया जाए। बातें हमारे पास बहुत है करने के लिए, खत्म नहीं होंगी, बट मुद्दे की बात यह है कि कैसे अब आप लोगों को मेरे दोस्त स्किल किया जाए। और अगर आपकी बात करें, आप लोग दोस्त हमारे साथ बैंकिंग के लिए भी कनेक्टेड है, एसएससी के लिए भी कनेक्टेड है, इवन टीचिंग के लिए भी कनेक्टेड है, बट इसके पैरेलल कैसे आप लोगों को और बेहतर बनाया जाए, उस दिशा में अड्डा 24/7 ने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है और जिसका फाउंडेशन स्टोन रखने जा रही है आपने देखो ये तो हंसी मजाक की बात अलग है, ओवरऑल आप चाहे अतुल सर हो, चाहे सौरभ सर हो, आशीष सर हो, शुभम सर हो, बातें कितनी टू द पॉइंट की गई और एक एक इंसान के, आप ये सब लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ आते हैं एंड इवन दे रियलाइज टिल डेट यार। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट यार उसके साथ साथ ना एक स्किल को इतना निखारो कि आप एक ओवरऑल पैकेज बन करके आज इंडस्ट्री के सामने आओ। दैट वॉज द होल पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब धीरे से आपको लेकर के चलते हैं कि ये जो आज का इनिशिएटिव है इसका क्या सरप्राइज है और इसमें हम आपके लिए क्या लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यार देखिए, जैसे अभी तक जो बातें हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा रिलेट कौन कर पाएगा, हमारे आपके जैसा इंसान कर पाएगा यार, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास ऑफ इंडिया से आता है। क्योंकि यार कहीं ना कहीं हम सबने वो देखा है कि मम्मी पापा बहुत मानते हैं, चाहे उनकी 4,000 की कमाई हो, वो उसमें से 1,000 रुपए हमारी पढ़ाई के लिए निकालेंगे, लेकिन निकाल के भी वो बच्चा जाता है गांव के स्कूल में और उसके बाद उसकी अपनी अलग परेशानियां होती हैं। स्कूल का एक टॉपर जो होता है ना, जब वो पहले पहल शहर पहुंचता है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है यार, कुछ ऐसा होता है कि वो टॉपर कहीं ना कहीं एक बैक बेंचर बन के रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर झिझक है, अंडर कॉन्फिडेंट है वो बच्चा, उसको बाकियों के सामने एक कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा है, इन्फीरियोरिटी, भले दिमाग में वो सबका चाचा हो, लेकिन वहां पर बैठ करके क्या हो जाएगा, बच्चा घबरा गया, परेशान है कि यार इनको अंग्रेजी आती है, अरे इनको कंप्यूटर चलाना आता है, लैपटॉप है इनके पास, अरे बाप रे मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये होता है एक लोअर मिडिल क्लास से आने वाले बच्चे का थॉट प्रोसेस। और इन परेशानियों के बारे में जब हम सोचते हैं ना, तब हमें लगता है कि क्या अगर कोई बच्चा है वो IIT IIM से नहीं है, या फिर वो उसके मम्मा पापा का कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है, तो क्या उसकी कहानी जो है खत्म है? तो वो बेचारा क्या करे? अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या वो कभी भी अपनी जो डिजायर्ड लाइफस्टाइल है उसको पा नहीं सकता? हर इंसान का शौक होता है यार, घर, गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े, महंगे शौक, सब कुछ होता है। तो शांतनु सर यहाँ पर बस यही डिस्कस कर रहे थे कि एक मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है उसके मम्मी पापा बहुत प्यार दुलार करते हैं, गांव के ही सही पर अच्छे कॉलेज स्कूल में भेजते हैं, पर उसका जो एक कॉम्प्लेक्स होता है, जो दिमाग में दो ऑप्शन रहता है ना सर, कि या तो तुम सरकारी नौकरी कर लो, नहीं तो तुम किराना दुकान कर लो। मतलब हम लोग कभी निकल ही नहीं पा रहे, नहीं निकल पाते हैं। और आप मतलब ये तो लिटरली एक बहुत बेहतरीन पहल है मैम की, कि ये शुरुआत कर, मतलब ये इस चीज की पहल कर रही है कि जो एक थॉट बना हुआ है ना कि आपके जीवन की सफलता जुड़ी होती है सरकारी नौकरी से, एक बहुत बड़े लोग मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO बन गए, उनके परिवार में जाके उनके माता जी से पूछा कि आपका लड़का करोड़ों कमाता है, उसके इतने महीने की सैलरी इतनी करोड़ है, तो उनकी माँ कह रही है कि भैया बात तो सही है, बचपन से पढ़ने में होशियार था, थोड़ा और मेहनत कर लेता सरकारी नौकरी लगी जाती। ये तो आप सबने सुना होगा। हाँ, जिस मतलब सोसाइटी में हम लोग रहते हैं भाई, ये एक थॉट बना हुआ है, लेकिन आप सबको पता है कि भाई सफल, जो व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं है भाई,
आप सबको पता ना अभी आप लोग घटनाएं भी देख रहे हैं, सरकारी नौकरी कर करके लोग कैसी कैसी घटनाएं भी घटा रहे हैं। तो सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता, अपनी जो आपकी योग्यता है उसको निखारें, आपकी जो स्किल है उस पे काम करें। वो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी करने के साथ आप उसको भी होता, मतलब अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप सरकारी नौकरी करते रहिए, करते रहिए, उस स्किल के बलबूते आप कुछ अलग ही छाप छोड़ेंगे। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। Correct. बिल्कुल मैम, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल, हमारे बहुत सारे क्रिकेटर हैं, जैसे हरिभजन सिंह हैं, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर, लेकिन उनकी स्किल क्या थी? क्रिकेट खेलना। तो दुनिया उनको एक आईपीएस ऑफिसर के तर्ज पे नहीं, एक क्रिकेटर के तर्ज पे जानती है, है ना। तो अपनी स्किल को पहचाने, उस पे काम करने की कोशिश करें, जो कि उदिशा मैम बिल्कुल बहुत सही चीज यहाँ पे लेके शुरुआत की है। सिर्फ अड्डा की पहल है सर, हम आप तो इसका हिस्सा है। डेफिनेटली हमें अड्डा ये मौका देता है कि यार हम स्टूडेंट की कंप्लीट ग्रोथ के बारे में सोचें। हमेशा यही थॉट रहा है यार कि तुम कहाँ रहते हो, कौन से लेवल ऑफ फैमिली से आते हो, से फर्क नहीं पड़ता है। जॉर्डन आपकी बात बहुत अच्छी लगी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इफ यू हैव एनी मोर पॉइंटर्स प्लीज गो। ठीक है, नहीं तो आपने सुना, और ये एक्चुअली यार बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ हम आपके पास आते हैं, सिर्फ पर्सनल थॉट नहीं है, पूरी कंपनी का ये विश्वास है कि एक स्टूडेंट अगर वाकई सही तरीके से सोचने लगे ना, देखो ना यार देश विदेश में बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई गणितज्ञ पैदा हो रहा है, हर कोई अंग्रेज पैदा हो रहा है, साइंस में एकदम चला जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। आपका जहां मन लगता है ना, जितने सफल आप वहां हो सकते हैं उससे ज्यादा सफल आप कहीं नहीं हो सकते हैं। और इसी चीज को देखिए, यहां पर आपके सामने डेटा भी लिखा है, पर मैं इसमें अब जाना नहीं चाहती हूं, बिकॉज आप आई थिंक ओवरऑल बातें समझ चुके हैं। और कल दोस्तों एक्चुअली है आपका वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, तो हम भी चाहते हैं यार कि भारत आज हर जगह मौजूद है, भारत का नाम लेकर के सोशल मीडिया स्टार हुआ जा रहा है। एक बार इंडिया के ऊपर वीडियो बना देते भाई, जितनी लाइक उस पोस्ट पे होती है बाकी उनकी किसी पोस्ट पे नहीं होती है। अगर इंडिया का एक डिश बना दे रहे हैं तो वायरल हो जा रहे हैं, लेकिन इंडियंस अपनी इस ताकत को कब पहचानेंगे? आपको अपने देश को आगे ले जाने के लिए पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको बनना पड़ेगा एक ओवरऑल पैकेज। मैं मानती हूं यार तुम्हारा सपना है सरकारी नौकरी, ईश्वर तुम्हें वो दिलाएगा, तुम्हारी काबिलियत तुम्हें वो दिलाएगी, लेकिन अगला क्या? आप जो ये नौकरी हासिल करते हैं पढ़ाई से करते हैं ना, लेकिन उसके आगे की जो आपकी ग्रोथ होती है, जो आपकी चमक होती है, रिकग्निशन होता है, वो आता है आपकी काबिलियत, आपके हुनर से। और अब मौका आ चुका है कि हम उसे चमकाएं, हम उस पर डट कर लग जाएं दोस्तों। और इसी चीज के लिए आप सभी के लिए, और आपने क्योंकि अड्डा को हमेशा इतना प्यार और सपोर्ट दिया है ना, इसीलिए हम आज ये निर्णय ले पाए कि वी हैव टू स्टार्ट दिस, हमें ये करना होगा। तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक कंप्लीट टूल किट, और वो भी एक ऐसे प्राइस में जो शायद आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब आज की डेट में कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। दूसरा मूंगफली के दाम पे, जिसको कहते हैं ना चने के भाव मूंगफली के भाव, कुछ ऐसा ही होता है। हाउएवर, सो द अल्टीमेट टूल किट जो कि आपको सिर्फ एजुकेटेड नहीं बना रही है, वो आपको एम्प्लॉयबल बना रही है। एक छोटा सा डेटा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, 53% ऑफ ग्रेजुएट्स ऑफ आर कंट्री लैक ऑन द जॉब स्किल्स एंड टूल्स, और ये एक बहुत मेजर रिसर्च आया था। आप देखिएगा कि भारत में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, एम्प्लॉयबल बहुत कम है, एम्प्लॉयबल बहुत कम है। तो इस बात को ध्यान में रखो, नाउ इट्स टाइम टू बिकम एम्प्लॉयबल एवरीवन। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं होगा, ओवरऑल पैकेज बनना पड़ेगा, और वो ओवरऑल पैकेज आप बनेंगे इस अल्टीमेट टूल किट बाय अड्डा 24/7 से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके सामने आपके लिए, ताकि यार आप कॉन्फिडेंटली, चाहे पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, इंटरव्यू देना हो, लोगों से इंटरेक्ट करना हो, अपने बड़े बड़े आइडियाज को पिच करना हो, सबसे पहले आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का ये कोर्स है, जिसमें कंप्लीट जीरो टू एडवांस लेवल अंग्रेजी आपको सिखाई जाएगी, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस के माध्यम से। उसके बाद भैया देखो, आता है, तुम किसी भी ऑफिस में चले जाओ, प्राइवेट में जाओ, पब्लिक में जाओ, आपको देखेगा कंप्यूटर का इस्तेमाल कितना ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक्सेल के एसेंशियल्स, यानी कि जो आप यूज करते हैं ना कंप्यूटर में सबसे ज्यादा, वो क्या क्या हो सकता है? एमएस वर्ड हो सकता है, एमएस एक्सेल हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है। तो इस तरीके के आपके जितने भी कंप्यूटर वाली चीजें हैं ना, उनके रिलेटेड कोर्सेज आप देखो, यहाँ पर एक्सेल एसेंशियल कोर्सेज आपको दिख रहे हैं। फिर आपको मास्टरिंग पावर पॉइंट फॉर इम्पैक्टफुल पीपीटीज, क्योंकि अगर आपकी पीपीटी अच्छी बनी हुई है ना, तो दुनिया का ध्यान आपके ऊपर रहेगा, वो आपकी बात सुनेंगे, वरना फटाक से फुर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स के कुछ कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, मास्टरिंग पावर बी आई एडवांस्ड कोर्स, उसके बाद बेसिक्स ऑफ पाइथन कोर्स,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ओवरऑल आपके लिए. और ये जो आप देख रहे हो बेटा, इस इंफॉर्मेशन को अपने तक मत रखना, डोंट बी सेल्फिश, इसको सबके पास पहुंचाओ. आपके घर में जो भी कोई है जो एक नौकरी ढूंढ रहा है, जो घर से बैठ करके भी आज नौकरी कर सकता है अगर उसके पास इसमें से कोई स्किल होता. आज की डेट में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ यार, जो घर बैठे पावर पॉइंट बना बना के लोगों की 20-25-30-40,000 रुपए कमा रहे हैं एज फ्रीलांसर्स. उन्हें कहीं नहीं जाने की जरूरत है. तो हर बंदा वो कर सकता है. लेट पीपल नो कि ये कोर्सेज आपके लिए हैं. उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अनदर मास्टर्स द बेसिक्स ऑफ SQL. दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो अगेन कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज बेस्ड है, कुछ आपके डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज हैं. फिर आप देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन का. आप सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हो, प्राइवेट नौकरी के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी करोगे कि नहीं? SEO. हर बंदे को आज की डेट में यूट्यूबर बनना है, इंस्टाग्रामर बनना है, टिकटॉक का स्टार बनना है, क्योंकि भाई वो पैसे कमा रहे हो और इसमें कोई बुरा नहीं है. इट्स ऑल अबाउट अर्निंग. आप अर्न करने लगते हो ना, तो पहले जिसको क्रिंज कहते हो बाद में वही चीफ गेस्ट बन के पहुंचता है किसी जगह पर. तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट. यूट्यूब का SEO कोर्स आपके सामने है. मशीन लर्निंग विद यूजिंग AI एंड ChatGPT. ChatGPT से मैं कहती हूँ तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. तुम अगर स्पोकन इंग्लिश भी सीखना चाहते हो, 50% मदद तुम्हारी ChatGPT कर देगा. हर काम में ChatGPT मदद कर रहा है, पर उसको सही तरीके से यूज कैसे करोगे ये कोर्स सिखाएगा. अब ये जो ओवरऑल पैकेज आपको मिल रहा है यहां पर, इसमें आपको 150 आवर्स से ज्यादा का क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है. एकदम जो सुपर डिमांडेड स्किल्स है ना यार, जो मतलब हर बंदा चाहता है कि हमें सीखने को मिले. उसके बाद आपको टॉप रेटेड फैकल्टीज मिल रहे हैं दूर दूर के. चाहे हमें लोगों को पर्टिकुलरली बुलाना पड़ा हो कि नहीं आप आइए हमारे साथ एक कोर्स करिए सर, क्योंकि आपका कोर्स अच्छा है, आपको अच्छे फीडबैक्स मिले हैं, तो हम लेकर के आए हैं लोगों को आपके लिए. साथ ही साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं है, सर्टिफिकेशन है, आप साबित कर सकते हैं कि मैंने सीखा है. एंड देन लेस देन 100 रुपीज पर कोर्स. आपको मैंने यहाँ पर 10 कोर्सेज दिखाए हैं ना, 10 के 10 कोर्सेज आपको एक पैक के अंदर मिल जाएंगे. और आपका वो पैक है स्किल्स का महापैक. स्किल्स का महापैक आपके सामने है. आपको चाहिए, घर में किसी को चाहिए, किसी एक इंसान को आप बताना चाहते हैं और सब लोग यूज करना चाहते हैं, तो यार आई थिंक आज की डेट में आपको नौकरी के लिए एकदम रेडी करने वाला जो पैक है ना, वो स्किल्स का महापैक है. क्योंकि याद रखना लाइफ में भैया, हुनर है तभी कदर है. अगर तुम्हारा भाई, जैसे सर ने कहा कि हाथ के दस्तकार होने चाहिए. कोई इंसान है भैया 5वीं फेल होता है, लेकिन अगर जीवन में उसके पास कोई स्किल है ना, वो सारी जिंदगी कमा के अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेता है और अपने सपने भी पूरे करता है. सो कहीं पर भी तुम्हारे सपनों का अंत नहीं होना चाहिए. जो चाहोगे जीवन में वो पाओगे. स्किल्स पर काम करना शुरू करो. स्किल्स का महापैक आपके सामने है, क्योंकि कल आप लोगों का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है. तो आज इसीलिए अड्डा 24/7 लेकर के आया है आपके सामने स्किल्स महापैक पर. फ्लैट 80% ऑफ है. इसमें जो आपका कोड लगेगा, तब आपको ये पूरा का पूरा महापैक 999 रुपीज में मिल जाएगा. इसके अंदर आपको 10 कोर्सेज मिल रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, एक एक कोर्स की कीमत अगर इंडिविजुअली देखोगे ना, तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी ये पहल है बाय अड्डा 24/7. क्योंकि हम चाहते हैं यार कि जो सपने तुमने देखे हैं तुम उन्हें पूरा करो. तो बस इतनी बात करनी थी. आप लोगों ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है. मैंने आपको बोला था ना यार कि मेरी जिंदगी चल रही थी, मैं बैंक में पढ़ा रही थी, बच्चे भी जानते थे, इंडस्ट्री में भी लोग जानते थे, चाहती तो कंफर्टेबली वहां बैठती. पर मैंने देखा है कि कैसे बच्चे परेशान होते हैं कि मैडम 100 रुपए नहीं है फॉर्म भरने के लिए, ट्रांसफर कर दीजिए. तो अब इनफ इज इनफ. आपको उससे आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद सक्षम होना है. ठीक है एवरीवन, दिस इज योर स्किल्स महापैक. आपका कोड है WYSD. आप इसको ले सकते हैं अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर भी, और आप विजिट कर सकते हैं adda247.com को भी. ठीक है, और आपके चैट बॉक्स में आपको दिख रहा है इस पैक का लिंक, उस पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप इस पैक को तुरंत परचेज कर सकते हैं. कोड याद रखना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए WYSD. अपना ख्याल रखो और बड़े और ऊंचे सपने देखो यार. सब कुछ पा सकते हो तुम लोग लाइफ में. खूब खुश रहो. आने के लिए बहुत शुक्रिया. अच्छा एक और चीज, ये बैंक महापैक में नहीं है, ये सेपरेट स्किल महापैक है भैया. इसको सेपरेटली लेना पड़ेगा. साथ ही साथ आज और कल 2 दिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि हमने वाकई अगर एक जिम्मेदारी ली है तो उसको सच्चाई से उठाया है. आप लोगों के लिए पूरे 2 दिन MS Office का जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. MS Office के बारे में जो जो सीखना चाहते हो ना, जाओ विजिट करो अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर स्टोर, और MS Office का वो कोर्स फटाफट उठा लो. थैंक यू सो मच. इट्स टाइम फॉर रिसेशन. ठीक है,
All right. Thank you very much, everybody. जाइए and let us know in the comment section what are your thoughts. आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे. आगे बढ़ो, मिलते हैं फिर.